नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। एसईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में चंडीगढ़ पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। मई में मामले की शिकायत दिए जाने के बाद पुलिस ने करीब 3 करोड़ के घोटाले में एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से पुलिस को रिकॉर्ड या सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। उत्तरी राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक में तस्करी की सप्लाई चेन और गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने संबंधी चर्चा की गई। सभी ने इस मुद्दे पर सहमति जताई कि बेहतर एक्शन के लिए पंचकुला में ड्रग सचिवालय बनाया जाएगा, जहां से तालमेल के जरिए स्टीक व जल्द कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। उत्तरी क्षेत्र पुलिस तालमेल समिति की संयुक्त बैठक की मेजबानी डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने की। हरियाणा सिविल सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा में पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा में 4 पेपर होंगे। ये परीक्षा कुल 600 अंकों की रहेगी। उम्मीदवारों के पास भाषा का साहित्य के पेपर को छोड़कर अन्य सभी पक्ष पत्रों का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में देने का विकल्प होगा। इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा के नियम 2019 कहा जाएगा। जल्दी सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के समीप एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक एसआई के बेटे के 18 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा है। पुलिस ने उसके खिलाफ नशा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच के रहना रे बाबा, ये सोशल मीडिया है जहां सब कुछ होता है। पंजाब के जिला होशियारपुर से एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें मोहाली की रहने वाली दो महिलाओं ने होशियारपुर की एक महिला के साथ दोस्ती की, फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाकर लूट लिए 17 लाख रुपए। गिरते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने बारिश के पानी की ओर रिचार्ज करने संबंधी बनाए नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। करीब 3000 डैम बनाने का फैसला किया है। खास तौर पर ऐसे क्षेत्रों का चयन किया है जिनको किसी ना किसी रूप में नजरअंदाज किया जाता रहा है। श्रीखंड यात्रा शुरू होने के तीसरे दिन पार्वती बाग के पास महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। सुभाष पाटिल करीब 31 सदस्यीय टीम के साथ यात्रा पर निकले थे, जहां बुधवार दोपहर को उनकी सांस फूलने से मौत हो गई। वहीं मंगलवार देर रात यात्रा मार्ग पर पार्वती बाग में नैन सरोवर के पास भूस्खलन की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि 50 बाल-बाल बच गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीए, बीसीसीए, बीकॉम और बीसीए, बीबीए की अधूरी डिग्री पूरा करने का विशेष मौका प्रदान किया है। एचपीयू की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। 31 मई को हुई वित्तीय कार्यकारी परिषद की बैठक में लाए प्रस्ताव में कुछ बदलाव के बाद अब यूजी छात्र छात्राओं को डिग्री पूरी करने का मौका दिया है। घरेलू कलेश में कैरोसिन छिड़क कर एक महिला ने बेटे बेटी समेत आग लगा ली, जिसमें महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा आग में झुलस गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार व पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना गाजियाबाद के मुरादा नगर की है। नोएडा के जेपी अस्पताल के पास कार सवार बदमाशों ने पुलिस बनकर इराकी नागरिक से बुधवार देर शाम $30,000 करीब 20 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित अपने भाई बहनों के साथ छोटे भाई अदनान का लीवर ट्रांसप्लांट कराने नोएडा के सेक्टर 128 स्थित जेपी अस्पताल आए हैं। इराकी नागरिक अस्पताल के बाहर सिगरेट पी रहे थे, तभी बदमाश पुलिस बनकर आए और नशीला पदार्थ किए छानबीन का धक्काशाही कर 20 लाख लूट फरार हो गए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।